से अभी राजकुमार शर्मा पीछे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। और पोकरण में अपडेट जो आया है, अब भाजपा को बढ़त मिली है। साले मोहम्मद मंत्री MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। तो कांग्रेस के डॉक्टर राजकुमार शर्मा को करीब 20,000 वोट मिले नवलगढ़ में। पांचवें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा आगे है। नवलगढ़ में पांचवें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा आगे चल रही है सीट से। इधर पोखरण विधानसभा सीट पर भी भाजपा को बढ़त बनी हुई है। यहां पर दो राउंड की मतगणना में प्रतापपुरी महाराज 980 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी को यहां पर 4,628 वोट मिले हैं, तो कांग्रेस के साले मोहम्मद को मिले 3,648 वोट। ये पोखरण की तस्वीर है जहां इस सीट पर भाजपा को बढ़त बरकरार है। दो राउंड की मतगणना में प्रतापपुरी महाराज 980 वोटों से आगे चल रहे हैं। 4,628 वोट यहां भाजपा प्रत्याशी को मिले हैं, तो कांग्रेस के साले मोहम्मद को मिले 3,648 वोट। काउंटिंग हालांकि जारी है, अभी तो दो राउंड की काउंटिंग यहां पर हुई है, लेकिन इसके बाद भी भाजपा को बढ़त पोखरण सीट से। अहम सीट है ये, अब देखना होगा कि यहां पर कौन अपनी जीत कायम कर पाएगा और कितना अंतर यहां पर वोटों का भी होगा, क्योंकि शुरुआती दौर है। दो राउंड की काउंटिंग के बाद की ये तस्वीर है जहां साले मोहम्मद को 3,648 वोट मिले और पोखरण विधानसभा पर भाजपा को बढ़त। पिछली बार भी यहां का परिणाम जो था 1,000 वोटों से कम में रहा था। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल झोटवाड़ा से 8 राउंड में कांग्रेस आगे चल रही है लगातार। अभिषेक चौधरी आगे चल रहे हैं, 42,402 वोट उन्हें मिले, यानी कि यूं माना जाए राज्यवर्धन सिंह अभी भी पीछे, 38,283 वोट उन्हें मिले हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है, करीब 4,000 वोटों का अंतर है और लगभग जो राउंड है काउंटिंग के वो कंप्लीट होते जा रहे हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी जो है अभिषेक चौधरी वो बढ़त बनाया हुआ है। नरेश जी, वैसे देखा जाए तो जाट बहुल्य इलाका है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लालचंद कटारिया पहले जो यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तो फिर लोहावट से लेके आए थे अभिषेक चौधरी को, जो NHUI में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, तो उनको ये कहे कि एक चुनाव लड़ाना था इसलिए उम्मीदवार बना दिया। लेकिन उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा उसकी प्रशंसा कांग्रेस के नेताओं ने भी की है, और जिस तरह से वो वोट ले रहे हैं खासकर ग्रामीण इलाकों में, शायद संभवतः या EVM अभी वहाँ की काउंटिंग हुई है, जिस तरह से वोट लिए हैं वो काफी एक संकेत है कि उन्होंने मेहनत अच्छी की। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला था, टेंशन बढ़ी हुई थी। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर के लिए क्या, क्योंकि हम बात भी कर रहे थे जो 7 सांसद उनका भी रिपोर्ट कार्ड रहेगा ये परिणाम विधानसभा का। बिल्कुल, देखिए